हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हारमोनियम गुरु। दिस इज गुरप्रीत सिंह। तो एक बार फिर से मैं अपडेट करने के लिए आप सबके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, हालांकि मेरा सारा काम लगभग हो गया है स्टूडियो का, बस एक ही दिन का काम बाकी है। अंदर का मैंने सारा काम कर दिया, लगभग सिर्फ बाहर का ही काम बाकी है। आपको दिख रहा होगा कि बाहर में अभी कारपेट वारपेट लगने वाला बाकी है, अंदर पे मैंने सारा कपड़ा वपड़ा लगा दिया। तो चलिए मैं आपको अंदर का और भी दिखाता हूँ कि कैसे लग रहा है और क्या क्या मैंने किया है अंदर। देखिए, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अभी। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको मैरून कलर का मैंने जो इसमें कपड़ा सेलेक्ट किया लगाने के लिए, तो ये एक वेलवेट का कपड़ा है, नॉर्मल वेलवेट होती है जो, वही है बस। और यहाँ पे मैंने पहले फॉर्म लगाई जो मैंने आपको पिंक वाली दिखाई थी, तो ये सारी फॉर्म वॉर्म लगा के सारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं अंदर से हमारा कितना अच्छा लग रहा है ये सारा। तो नीचे इस पर कारपेट वारपेट सब कुछ लगा दिया मैंने, मैट भी लगा दी अंदर। तो बस एक ही काम बचा है इस इंटीरियर का, अंदर का सिर्फ एक ही काम बचा है। तो बस एक वायरिंग रह गई है माइक वाली, आप देख रहे हैं नीचे आपको दो वायर्स दिख रही हैं, एक हेडफोन के लिए और एक माइक के लिए, बस ये वायरिंग रह गई, बाकी सारा लगभग काम हो गया। तो मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप भी नोटिस कर रहे होंगे शायद, कि बाहर की आवाज़ और अंदर की आवाज़ में कितना डिफरेंस है। अंदर की आवाज़ बिल्कुल ड्राई है, बाहर की थोड़ी मतलब कि इको वाली आवाज़ थी, अभी बिल्कुल नॉर्मल आवाज़, बिल्कुल जो विदाउट इफेक्ट, बिल्कुल कुछ इको विको कुछ नहीं, कुछ रिवर्ब नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है। तो आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, अंदर ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ अंदर ही बोल रहा हूँ, आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। और बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक कवर सॉन्ग करेंगे, तो उसमें आपको मैं इसका आउटपुट बताऊँगा। मेरे हिसाब से 90% जो साउंड है, साउंड का जो दिक्कत थी वो सही होगी, 10% सिर्फ बाकी है जो बाहर का साउंड है, 10% थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हटा देंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि आउटपुट बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो लग रहा है। बाकी आपको एक कवर सॉन्ग करके दिखाएंगे, फिर उसमें बताएंगे कि आउटपुट कैसा है। और बाहर एक कारपेट लगाने वाला बाकी, इंटीरियर का सारा काम हो गया, बस एक वायरिंग रह गई है। तो आप देख लीजिए सारा, मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो सारे कोनों वोनों में आप देख लीजिए सारा मैंने अंदर जो वेलवेट का काम किया है अंदर, देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये हमारा जो बाहर का आउटडोर जो शीशा यहाँ से जो लगाया देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो बाकी आपको मैं कल अपडेट देता हूँ, बस जो लास्ट काम रह गया करके, कारपेट वारपेट लगाने वाला रह गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ बाहर का काम बाकी है, ये जो कारपेट लगाने वाला रह गया, बाकी सारा काम हो गया। तो हाँ, उम्मीद है कि कल तक ये हमारा काम हो जाएगा और मैं आपको अपडेट देता हूँ। फिर इसके बाद हम एक कवर सॉन्ग करके देखेंगे और मैं आपको इसका आउटपुट जरूर सुनाऊंगा। और बताना चाहूँगा इस पर जो मेरे को खर्चा आ गया, बजट पड़ा है मेरे को 15,000 का बजट पड़ा, इसके ऊपर 15,000 रुपये मेरे खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 15,000 में बहुत ही अच्छा है, घर पे अगर आप होम स्टूडियो बनाना चाहते हो अपने के लिए, तो 15,000 में बहुत ही अच्छा है। तो बाकी आपको मैं इसका आउटपुट ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपना होम स्टूडियो बनाना चाहते हो, तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।